हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज हम पार्ट 16 जिसका नाम है नौकर, इस पार्ट की रीडिंग करते हैं। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आम तौर पर नौकर चाकर करते हैं। जिस जमाने में वे वैरिस्टरी से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। साबरमती आश्रम में भी गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा। वह चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी फौरन उठकर खड़े हो गए। गेहूं पीसने से पहले उसे बीन कर साफ करने पर वह जोर देते थे। कौपीनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी कोई शर्म नहीं लगती थी। एक बार उनके पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। गांधी से बातचीत के अंत में वे बोले, बापू, यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे। गांधी ने उनके मन की बात ताल ली और बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। आंग तुम बड़ी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था। एक घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वह थक गए और गांधी से विदा मांग कर चल दिए। ये गांधी जी हैं और ये कस्तूरबा और उनके बेटे। पाठ हमारा काफी बड़ा है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, जल्दी जल्दी हमको इसकी रीडिंग करना पड़ेगी। कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद की। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते थे तो अपने साथियों को आड़े हाथों लेते। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए जिनके छिलकों पर काले चकते पड़ गए थे। उन्हें बहुत बुरा माना। तब गांधी ने उसे समझाया कि ये जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खास तौर पर इसलिए दिए गए हैं कि तुम्हारा हाजमा कमजोर है। गांधी आश्रम वासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। इस कारण वे बेचारे वे स्वाद उबली हुई चीजों के विरुद्ध कुछ कह भी नहीं पाते थे। दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में दो बार भोजन परोसने का कार्य भी कर चुके थे। आश्रम का एक नियम था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। रसोई के बर्तन बारी बारी से कुछ लोग दल बांध कर धोते थे। एक दिन गांधी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। इन पतीलों की पैंदी में खूब कालिक लगी थी। राख भरे हाथों से वह एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने लगे थे कि तभी कस्तूरबा वहां आ गई। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, यह काम आपका नहीं है, इसे करने को और बहुत से लोग हैं। गांधी को लगा कि उनकी बात लेने में ही बुद्धिमानी है और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंप कर चले आए। बर्तन एकदम चमकते ना हो तब तक गांधी को संतोष नहीं होता था। एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया था कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांझ कर चांदी सा चमका सकते थे। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था उस समय वहां आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। एक नवागत को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए, इसलिए उसने बिस्तर को लपेट कर रख दिया और यह पता लगाने गया कि उसे कहाँ रखना है। लौटते समय उसने देखा कि गांधी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने चले जा रहे हैं। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी रोज करते थे। एक दिन गांधी कुछ
अस्वस्थ थे और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बटा चुके थे। उनसे एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रम वासियों की सहायता से सभी बड़े बड़े छोटे बर्तनों में पानी भर डाला। गांधी को यह बात पसंद नहीं आई, मन में कुछ ठेस भी लगी। उन्होंने बच्चों के नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ। शरीर को जब तक बिल्कुल लाचारी ना हो तब तक गांधी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम ना करना पड़े। उनसे हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। वह मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टॉलस्टॉय बाड़ी में रहते थे तब पास में शहर के कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। इसके लिए वे घर में बना कुछ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे। शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म पर लौट आते थे। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था जिसमें गांधी के साथी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े कुदाल और टोकरियां लिए जब वापस लौटे तो देखते हैं गांधी ने उनके लिए तश्तरियों में नाश्ते के लिए फल और आदि तैयार करके रखे। एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए यह सब कष्ट क्यों किया? क्या यह उचित है कि हम आपसे सेवा कराएं? गांधी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थके मादे लौटाओगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया था। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छरहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया और तस्तरियां धोने, सब्जी साफ करने और अन्य छुटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगा। बाद में छात्रों का नेता वहां आया तो क्या दिखता है कि वह दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, उस समय शाम को भोज में निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि गांधी थे। गांधी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें ना पसंद था। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन से गांधी जब अपने डेरे पर लौटे तो रात हो गई थी। सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे। उस समय रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी के हाथ से बुहारी ले ली। जब गांधी गांवों का दौरा कर रहे होते उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेना ज़्यादा पसंद करते थे लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। नौखाली पद यात्रा के समय गांधी ने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी। इन दोनों को यह नहीं मालूम था कि खाखरा कैसे बनाया जाता है। इस पर गांधी स्वयं रसोई में जा बैठे। निपुण रसोई की तरह उन्होंने खाखरा बनाने की विधि बताई। उस समय गांधी की अवस्था 78 वर्ष की थी। गांधी जी को बच्चों से बहुत प्रेम था। अपने बच्चों के जन्म के दो माह बाद उन्होंने कभी किसी दाय को बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा। वे मानते थे कि बच्चे किसी विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार्य है। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिला पिला और बहला सकते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली और कमजोर हो गई है। उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ता नहीं था और वह उसका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था और रो रोकर उन्हें जगा रखता था। गांधी जिस दिन लौटे उसी रात से उन्होंने बच्चों की देखभाल का काम हाथों में ले लिया। सारे दिन कड़ी मेहनत करके सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर गांधी कभी कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते थे और बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर पर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा देते थे। चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते ताकि यह बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दे, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती थी। बच्चा कभी नहीं रोता और उसकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता था। एक पखवाड़े तक माँ से अलग सुनाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। गांधी अपने
से बड़ों का बड़ा आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में खोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर स्त्री की, वह उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनको भोजन परोसते थे और उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। खोखले बहुत मना करते थे लेकिन गांधी नहीं मानते थे। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। वहां उन्होंने गंदे पखाने साफ किए और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्ते इकट्ठे हो गए हैं जिनका जवाब देना है। मेरे पास कोई कारकुन नहीं है जिसे मैं यह काम दूं, क्या तुम यह मेरा काम करने को तैयार? गांधी ने कहा, जरूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूं जो मेरी सामर्थ्य से बाहर ना हो। यह काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला और इसके बाद उन्होंने उन नेता की कमीज के बटन के आदि लगाने और उनकी अन्य सेवा का काम खुशी से किया। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी तब गांधी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। उनका कहना था, नौकरों को हमें वेतन भोगा मजदूर नहीं अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां हो सकती हैं, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। उन्हें यह मालूम था कि किसी को नौकरी भांति कैसे रखे। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक आदमी उनके फल धोता या काटता, दूसरा बकरियों को धोता, तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता और चौथा उनके पकाने की सफाई करता था। एक ब्राह्मण कैदी ने उनके बर्तन धोता था और दो गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में केवल नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों को उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया गया। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जब चलने लगे तब उस घर नौकरों की उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहनी माना है और आप लोगों को भी अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदिन देने का सामर्थ्य मुझमें नहीं है लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। तो इस पाठ को पढ़ने से हमें यह शिक्षा मिली कि हमें अपने सभी कार्य स्वयं करने का अभ्यास करना चाहिए। इससे आत्मसंतुष्टि की वृद्धि होती है। हमें अपने कामों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। सभी स्टूडेंट हमने पाठ पढ़ा, पाठ काफ़ी बड़ा था, इसमें गांधी के बारे में पूरा हमें विवरण दिया है। हमने इसको पढ़ा और इसको समझा। इसके क्वेश्चन आंसर हम आपको PDF में सेंड कर देंगे। ओके स्टूडेंट एंड गुड बाय।